भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की लीडरशिप में भारत जोड़ो नया यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी ने इंडिया लाइन से जुड़े सभी राजनीतिक पार्टी लीडर्स को इस यात्रा से जुड़ने की गुजारिश की है। मणिपुर के तौबाल डिस्ट्रिक्ट से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबी होगी, जो 100 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, 337 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और 110 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। और इस लंबे सफर में 67 दिनों बाद 20 मार्च को मुंबई जाकर यह यात्रा खत्म होगी। मोदी सरकार में हो रहे जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे लोगों को यह समझ आ सके मोदी राज में देश को नुकसान हो रहा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए। और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। ऑल ऑफ अस ऑन द स्टेज अंडरस्टैंड द पेन दैट द पीपल ऑफ मणिपुर हैव बीन थ्रू। वी अंडरस्टैंड द हर्ट, द लॉस, द सैडनेस दैट यू हैव बीन थ्रू। And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued, we will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं। और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन, हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।